हेलो एश्योरेंस, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। एश्योरेंस, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश पोएट्री का जो प्रथम पोयम है माई मदर एट 66 अर्थात मेरी माँ 66 वर्ष की आयु में, इस कविता का स्टेंजा 4 कम्प्रीहेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जो आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश पोएट्री से दो तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला, आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा और उस स्टेंजा के नीचे कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको उसी स्टेंजा के आधार पर देना होगा और उन्हीं प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्न में फिगर ऑफ स्पीच से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इस वजह से आपको फिगर ऑफ स्पीच भी जो है वह पढ़ना है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश पोएट्री से संबंधित इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा वह आपका सेंट्रल आइडिया से संबंधित होगा, अर्थात आपको दो कविता का नाम दिया जाएगा और उन दो कविता में से किसी एक कविता पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो माई मदर एट 66 नामक कविता का सेंट्रल आइडिया मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे वॉच कर लीजिए। और माई मदर एट 66 नामक इस कविता का मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपको स्पष्ट कर दिया। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह सब बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना है। और साथ ही साथ यदि आप इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश बुक का अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम माई मदर एट 66 नामक इस कविता का स्टेंजा 4 कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर को देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहां पर लिखा है, ठीक इसी तरह का आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में भी निर्देश देखने को मिलेगा। निर्देश है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवेन बिलो, यानी नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़िए अर्थात सार को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन से दैट फॉलो, और नीचे आ रहे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको पहला स्टेंजा जो है वह देखने को मिल रहा है माई मदर एट 66 नामक कविता का। इस स्टेंजा को पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जो है आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, नेम द पोयम एंड द पोएटेस, अर्थात कविता और कवित्री का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, द नेम ऑफ द पोयम इज माई मदर एट 66, अर्थात कविता का नाम है माई मदर एट 66 एंड द पोएटेस इज कमला दास, और कवित्री हैं कमला दास। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू, अर्थात वह कवित्री कहाँ के लिए ड्राइविंग कर रही थी या कहाँ के लिए कार से जा रही थी। तो इसका उत्तर है, द पोएटेस वाज ड्राइविंग, अर्थात वह कवित्री ड्राइविंग कर रही थी या कार चला रही थी फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से टू कोचिन एयरपोर्ट, यानी कोचिन हवाई अड्डे को ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग, एक फ्राइडे मॉर्निंग को या एक शुक्रवार की सुबह को, यानी वह कवित्री एक शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए या कोचिन हवाई अड्डे के लिए कार को चला रही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी नोटिस अबाउट हर मदर, व्हाट डिड सी नोटिस, उन्होंने क्या ध्यान दिया अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ के बारे में उन्होंने क्या ध्यान दिया। तो इसका उत्तर है, द पोएटेस नोटिस, वह कवित्री ध्यान दी दैट की हर मदर वाज स्लीपिंग, उनकी माँ सो रही थी, विद हर माउथ ओपेंड, अपने मुख को खुला किया हुआ, यानी वह कवित्री ध्यान दी कि उनकी माँ अपने मुख को खुला हुआ कर सो रही थी, एंड और द मदर्स फेस, और माँ का चेहरा वाज वेरी पेल, बहुत ही पीलामय था, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी, ठीक एक मृत शरीर की तरह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई वाज हर मदर्स फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कार्पस, वाई वाज हर मदर्स फेस, यानी उनकी माँ का चेहरा लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कार्पस, एक लाश की तरह क्यों दिख रहा था।
तो इसका उत्तर है हर मदर्स फेस, उनकी माँ का चेहरा हैड लॉस्ट, खो चुका था ऑल इट्स ग्लो, अपने पूरे चमक को एंड कलर ऑफ यूथ, और युवावस्था के रंग को ड्यू टू एजिंग, यानी बूढ़ा होने के कारण, एजिंग मतलब बूढ़ा होना, यानी बूढ़ा होने के कारण उनकी माँ का चेहरा अपने पूरे चमक को और अपनी युवावस्था के रंग को खो चुका था। इट लुक्ड पेल, या पीला में दिखता था, फेडेड मुरझाया हुआ दिखता था, एंड नियरली लाइफलेस, और लगभग लाइफलेस, निर्जीव दिखता था। दैट वाज वाई यानी वही वजह था, इट वाज लुकिंग लाइक अ कार्पस फेस, यही वजह था कि वह एक मृत के चेहरे के समान या मुर्दे के चेहरे के समान दिख रहा था। इसके बाद जो दूसरा स्टेंजा है और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। तो दूसरा स्टेंजा से संबंधित पहला प्रश्न पूछा है, व्हाट वेरिड द पोएटेस, उस कवित्री को क्या दुखी किया, व्हेन सी लुक्ड एट हर मदर, जब उन्होंने अपनी माँ को देखा। तो इसका उत्तर है, व्हेन द पोएटेस लुक्ड हर मदर, अर्थात जब वह कवित्री अपनी माँ को देखी, सी लुक्ड पेल एंड फेडेड, वह पीली में और मुरझाई हुई दिखी, जस्ट लाइक अ कार्पस, ठीक एक मुर्दे की तरह या लाश की तरह, विच वैरिड द पोएटेस, जो कि उस कवित्री को दुखी या चिंतित कर दिया। दिस इंडिकेटेड, या संकेत दिया, दैट कि हर मदर में डाई, कि उनकी माँ मर सकती हैं, भेरी सुन मतलब बहुत जल्दी। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वह है, वाई वाज देयर पेन इन हर रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब आभास, उनके आभास में क्यों दर्द था या क्यों कष्ट था। तो इसका उत्तर है, द पोएटेस फेल्ट पेन, अर्थात वह कवित्री कष्ट को महसूस की या दर्द को महसूस की इन हर रियलाइजेशन, अपने आभास में, अर्थात वह कवित्री अपने आभास में कष्ट को महसूस की, बिकॉज, क्योंकि, सी वुड नॉट सी, क्योंकि सी वुड नॉट सी, वह नहीं देख पाएंगी हर मदर अगेन, अपनी माँ को पुनः, एज, क्योंकि सी में डाई सून, क्योंकि वह जल्द ही मर सकती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड सी पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने उस विचार को क्यों दूर रख दिया या दूर क्यों कर दिया। तो इसका उत्तर है, द पोएटेस मतलब वह कवित्री पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर रख दी या उस विचार को सोचना बंद कर दी, बिकॉज, क्योंकि सी हैड डिस्ट्रैक्टेड, वह व्याकुल हो गई थी या परेशान हो गई थी, बाई थिंकिंग, सोचकर, अबाउट हर मदर्स इम्पेंडिंग डेथ, अपनी माँ की इम्पेंडिंग, निकट आ रही डेथ, मृत्यु, यानी अपनी माँ की निकट आ रही मृत्यु के बारे में सोचकर, यानी उस कवित्री ने उस विचार को दूर रख दिया या फिर सोचना बंद कर दिया, क्योंकि वह अपनी माँ की निकट आ रही मृत्यु के बारे में सोचकर व्याकुल हो गई थी या डिस्ट्रैक्टेड, परेशान हो गई थी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा प्रश्न है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, यानी अलंकार की पहचान कीजिए, यूज्ड इन दीज लाइन्स, जो कि इन पंक्तियों में प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह का फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, अलग से प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, यह चीज याद रखिएगा। तो सिमिली इज यूज, यानी कि उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, व्हेन द कलर ऑफ हर मदर्स फेस इज एसेन, यानी जब उनके माँ के चेहरे का रंग इज एसेन, पीला में है, लाइक दैट ऑफ अ कार्पस, एक मुर्दे की तरह। तो यहाँ पर लाइक शब्द आ चुका है, इसलिए इसमें सिमिली अर्थात उपमा अलंकार का प्रयोग है। हु डज आई रिफर टू, यानी आई किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, आई इज यूज फॉर द पोएट्रेस, अर्थात आई का प्रयोग कवित्री के लिए किया गया है, कमला दास, यानी आई का प्रयोग कवित्री कमला दास के लिए किया गया है। इसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेंजा है माई मदर एट 66 में, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हु वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक, यानी सुरक्षा जांच के लिए कौन गया, एंड हु इज हर, और हर कौन है इन द एबव लाइन्स, यानी ऊपर दिए गए पंक्तियों में, ऊपर दिए पंक्तियों में हर कौन है और सुरक्षा जांच के लिए कौन गया। तो इसका उत्तर है, द पोएटेस कमला दास, यानी कवित्री कमला दास वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक, यानी कवित्री कमला दास सुरक्षा चेक के लिए गई, एट द एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे पर।
हर इन द एबव लाइन्स, यानी ऊपर दिए गए पंक्तियों में हर मतलब हर रिफर्स मतलब संबंधित है टू द पोएटिस मदर, यानी कवित्री की माँ से, यानी ऊपर दिए गए पंक्तियों में हर कवित्री के माँ से संबंधित है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज द पोएटिस कंपेयर हर मदर्स फेस टू एंड वाई, व्हाट डज द पोएटिस कंपेयर हर मदर्स फेस, यानी वह कवित्री अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे की है एंड वाई और क्यों। तो इसका उत्तर है द पोएटिस कंपेयर्स, अर्थात वह कवित्री तुलना करती है हर मदर्स फेस, यानी अपनी माँ के चेहरे की टू अ लेट विंटर्स मून, एक पिछले जाड़े के मौसम के चंद्रमा से, यानी वह कवित्री पिछले जाड़े के मौसम के चंद्रमा से अपनी माँ के चेहरे की तुलना करती हैं। एच क्योंकि, अ लेट विंटर्स मून क्योंकि एक पिछले जाड़े के मौसम का चंद्रमा लुक्स कलरलेस फीका दिखता है एंड डल और नीरस दिखता है बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फोग, यानी कि मिस्ट और फोग के कारण, अर्थात मिस्ट धूध और कोहरे के कारण। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लेट विंटर्स मून, अर्थात पिछले जाड़े के मौसम के चंद्रमा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है लेट विंटर्स मून, यानी पिछले जाड़े के मौसम का चंद्रमा रिफर्स मतलब संबंधित है टू द मून ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है समय या के दौरान। तो लेट विंटर्स मून रिफर्स टू द मून ड्यूरिंग द लेट विंटर सीजन, अर्थात पिछले जाड़े के मौसम का चंद्रमा पिछले जाड़े के मौसम के समय के चंद्रमा से रिफर संबंधित है। विच अपीयर्स पेल एंड लस्टलेस, जो कि पीलामय एंड लस्टलेस और बगैर चमक का अपीयर्स दिखाई देता है बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फोग, अर्थात धूध और कोहरे के कारण। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, मिस्ट मतलब धूध। द पोएटिस मतलब वह कवित्री हैज कंपेयर्ड, तुलना की है हर मदर्स फेस अपनी माँ के चेहरे का टू द लेट विंटर्स मून, यानी पिछले जाड़े के मौसम के चंद्रमा से। बिकॉज क्योंकि, हर फेस सिम्स टू हैव लॉस्ट, क्योंकि उनका चेहरा सिम्स मतलब प्रतीत होता है, टू हैव लॉस्ट ऑल इट्स साइन, अपने पूरी चमक को खोया हुआ, क्योंकि उनका चेहरा अपनी पूरी चमक को खोया हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेंजा है उससे संबंधित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, हु इज हर, हर कौन है। तो इसका उत्तर है, हर रिफर्स टू द मदर, यानी हर माँ से संबंधित है, यानी हर का प्रयोग माँ के लिए किया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएटिस चाइल्डहुड फियर, अर्थात उस कवित्री के बचपन का भय क्या था। तो इसका उत्तर है, द पोएटिस चाइल्डहुड फियर, अर्थात उस कवित्री के बचपन का भय, वाज मतलब था, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का, यानी उस कवित्री के बचपन का भय अपनी माँ को खोने का था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द पोएटिस पार्टिंग वर्ड्स, अर्थात उस कवित्री के विदाई के शब्द क्या थे। तो इसका उत्तर है, द पोएटिस पार्टिंग वर्ड्स वर, अर्थात उस कवित्री के विदाई के शब्द वर मतलब थे, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्द ही मिलती हूँ। इसके बाद यह लास्ट जो क्वेश्चन है चौथे स्टेंजा का वह है, व्हाट डज द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड स्माइल मीन्स, यानी दोहराए हुए शब्द स्माइल का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है, रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल, यानी दोहराए हुए शब्द स्माइल मीन्स मतलब स्माइल का अर्थ है या मतलब है, अ प्रिटेंडेड चीयरफुल ऑफ स्माइल, अर्थात एक बहाना बनाया हुआ या ढोंग किया हुआ प्रसन्नचित मुस्कान, यानी दोहराए हुए शब्द स्माइल का अर्थ है एक बहाना बनाए हुए या एक ढोंग किए हुए प्रसन्नचित मुस्कान का। सो इसलिए द पोएटिस मतलब वह कवित्री स्माइल मतलब मुस्कुराई फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए, टू मेक हर मदर हैप्पी अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यह था माय मदर एट 66 नामक कविता का जो आपके स्टेंजा थे जिससे कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज भी उनको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, मात्र 4 MB का वो एप्लीकेशन है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वीडियो से लेकर आता रहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।